या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही न रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माँ तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा, हुसैन मेरा बच्चे। अम्मी जान, तू आ गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक, तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाई जान, शुक्र है अल्लाह तेरा भाई जान। सचिन, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ, नहीं भाई जान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रहे जिया। हाँ बेटा, अभी लाई। हाँ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ, मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। हुसैन भाई, तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तू कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसे अच्छा कर देगा, फिर मिलने से क्या फायदा होए? ललकार सिंह जी, मेरी बहन मुझे देखते ही ठीक हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। क्यों, तेरी गरजती आवाज क्यों कांपने लगी? अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा, मेरे तलवे भी चटेगा, ओए फिर भी मैं तेनू बार नहीं जान देंगा। चिलर साहब, चिलर साहब, वो मेरी बहन है, अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले, मैं तेनू बार नहीं जान देना। चिलर साहब, आप बेशक मेरे साथ 2 कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं 2 नहीं 4 भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए। Oh!
अचन सिंह, यह मेरा औजार है।